जी हम युवा हैं, हम उनके साथ हैं और औरों को भी जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे और बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी पार्टी बाद में पहले मिशने संतों गुरुओं का पार्टी को देंगे जी वोट। कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ कल को, हम पार्टी को ही वोट देंगे। अच्छा, ना तो गुमराह होना, ना उन देना, ना लालच लेना, ना लालच लेन देना, और ना डर के बाजना, ना डर के बाजन देना। छूरा सोई बला जो लड़ा अपना दुखी दीन के हेठ, कहे रविदास से पुर्जा पुर्जा कट मरो, कभी नहीं छोड़ा अपना करे अथिया सुरखेत। को मुख्यमंत्री बनाकर बैठावेंगे हरियाणा की जनता, और इसके बाद बहन मायावती को पूरा भारत का पीएम प्रधानमंत्री देखना चाहे भारत की जनता। जय भीम, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली टाइम्स। अभी हम हैं हरियाणा चुनाव में, जैसा कि आपको पता है कि हमारे विधानसभा जा रहे हैं, अभी हम हैं विधानसभा कैलाश में। और आइए यहाँ बसपा के कार्यकर्ता मिले जो कि अभी आकाश आनंद की रैलियों में जा रहे थे, आइए इनसे बातचीत करते हैं और आप तक बताते हैं कि बसपा की क्या कंडीशन है। हाँ जी, जब भी यहाँ स्थिति क्या है बसपा और इन लोगों की? यहाँ स्थिति ऐसा है साहब जी, यहाँ तो जी हमें जिस गांव में जहाँ 100 में से 60% तो है एनएलओ बसपा गठबंधन की तरफ, और 40% में सारी पार्टी आली। ये स्थिति जी कलाचल कम है, और इसके साथ साथ ऐसे हमने संध में भी देखी। तो मैं यूं कहूं पूरा हरियाणा के अंदर 90 सीटों में थे 60-70 सीट है एनएलओ बसपा गठबंधन को हारी है साहब जी। एक बात बताइए, क्या एनएलओ और बसपा गठबंधन सरकार बनाती हुई दिख रही है? हाँ जी, बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है जी, बनाएंगे दिलो जान से। आकाश आनंद हरियाणा चुनाव में है, क्या युवाओं को जोड़ पाएंगे आकाश आनंद? बिल्कुल पाएंगे जी, हम युवा हैं, हम उनके साथ हैं और औरों को भी जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे और बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। कोशिश है पूरी जी, सारी खोज की खोज है। पूरी कलाश विधानसभा से रामपार माजरा जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनकी क्या स्थिति है क्षेत्र में? ऐसा जी, रामपाल माजरा बहुत अच्छी छवि के इंसान है जी, वो ताऊ देवीलाल के साथ रहे हैं, ताऊ देवीलाल बहुत अच्छे आदमी हैं, आदमी थे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप यहाँ प्रत्याशी देके वोट करते हैं या मायावती ने गठबंधन कर लिया तो इस नाते वोट करना है? ऐसा जी, बहन मायावती भी पूरा संसार के अंदर जी वे इतना एक भारत की सबसे बड़ी नेता, सबसे अच्छी नेता, तो वो सामाजिक तौर पे भी और हर तरीका से हर बात में बहन मायावती तो नेता भी सबसे बड़ी, और उसके अंदर अनुशासन और समाज को सबको लेकर चल रही है, जो साहब कांशीराम ने कहा नहीं, जात पात का झगड़ा छोड़कर हमें गठबंधन को लेकर चल रहे हैं, सबको भाईचारा। आप वोट किसको देखकर देंगे? आप पार्टी को देख कर देंगे, पार्टी को कि प्रत्याशी को? नहीं, पार्टी को देंगे जी वोट। कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ कल को, हम पार्टी को ही वोट देंगे। अच्छा, मतलब पार्टी बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन कर ले, आप मायावती जी को देखकर वोट करेंगे? क्यों, मायावती का चेहरा देख के वोट देना है या रामपाल माजरा का चेहरा? अच्छा जी, देखो सबसे पहली बात है जी, बहुजन समाज पार्टी पार्टी बाद में पहले मिशन है संतों गुरुओं का। हमारा मिशन जो है, मिशन में जो जुड़ रहा है वो करोड़ों रुपया पे भी किसो भी लालच में नहीं आता। साहब कांशीराम कहते थे, ना तो गुमराह होना, ना उन देना, ना लालच लेना, ना लालच लेन देना, और ना डर के बाजना, ना डर के बाजन देना। गुरुदास ने एक शेर बोला था, साहब कांशीराम बोले कर दे, क्या बोला था गुरुदास जी ने? सूरा सोई बला जो लड़ा अपना दुखी दीन के हेठ, कहे रविदास से पुर्जा पुर्जा कट मरो, कभी नहीं छोड़ा अपना करे अथिया सुरखेत। जिस कौम का इतिहास नहीं होता वो जीते जी मर्द होती है। हमारे संतों गुरुओं ने इतिहास बनाया है, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है, शक्ति से शासक बनता है। बाबा साहब ने कहा उंगली करके, ये बहुजन समाज के लोगों सत्ता रूपी दिल्ली जो कि
पार्लियामेंट पे कब्जा कर लो, हरियाणा पंजाब जैसे चंडीगढ़ विधानसभा पे कब्जा कर लो। वो जगह वो काम आज है, संतों गुरुओं की बात याद आ रही है, गुरुदास ने कहा ऐसा चाहूं राज में मिले सबको अन्न, छोट बड़ सब सम्मान बन के रहे तो रविदास रहे प्रसन्न। मुझे एक चीज बताइए, यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर इनेलो और बसपा का गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन? हाँ पूछो बतावेंगे मुख्यमंत्री कौन? यहाँ का मुख्यमंत्री बनागा तो पहले हम रामपाल माजरा जैसे हरियाणा में तो साहब जी 46 में तो सरकार बनती है, तो हम 40 से ज्यादा 50-60 सीट गठबंधन नेलो बसपा गठबंधन की आवेंगी। सब समाज तैयार हो रहा है, देखो फिर कम ने देख लिया। और मुख्यमंत्री हरियाणा का, हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में तो अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाकर बैठावेंगे हरियाणा की जनता। और इसके बाद बहन मायावती को पूरा भारत का पीएम प्रधानमंत्री देखना चाहे भारत की जनता। मतलब कि यहाँ हरियाणा में अभय सिंह चौटाला और आने वाले लोकसभा में मायावती का चेहरा आप फेस करना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी। बहुजन समाज पार्टी का कैडर बड़ा मजबूत है माना जाता है हरियाणा में, पर पिछले चुनाव में 4% वोट था विधानसभा में, लोकसभा में 1% हो गया। क्या दलित नाराज है बहुजन समाज पार्टी से? नहीं जी, वो है क्या बोलते हैं उसको, गुमराह हुआ, गुमराह हो जाए, गुमराह कर देते हैं और गुमराह हो जाते हैं ये लोग हमारे। दलित इतना कमजोर है कि वो गुमराह हो जा रहा है? कमजोर नहीं है जी, कमजोर बिल्कुल नहीं। हाँ मशीनों में गड़बड़ या पहले शाम टाम दंड भेद मनु ने करी, ये ईवीएम छोड़ दी लिया के 1982 में कांग्रेस ले आई थी ईवीएम, समझौता करके कांग्रेस भाजपा ने 10 साल कांग्रेस 10 साल भाजपा, इनका दूध सब लो देंगे इनका, ना कांग्रेस रहेगी साहब कांसी राम बोले करते, अरे चलागा छूटेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। और यहाँ हुए खाम खाई के ये केजरीवाल और झाड़ू झूड़ू तो अंधी में उड़ जाएंगे, अंधी चल पड़ी अनिलो बसपा की हरियाणा में, तय पूरा भारत में पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री अभय चौटाला को बना के और आने वाला लोकसभा चुनाव में बहन मायावती को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कट्टर समर्थक जो कह रहे हैं कि हमें पार्टी से मतलब है ना कि प्रत्याशी से, केवल पार्टी को देखकर वोट करते हैं जब भी।